अपने शहर चारमीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी ने सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर के हमराह जिला कामारेड्डी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने धान के किसानों से मुलाकात की और उनको दरपेश मसाइल से वाकफियत हासिल की। उन्होंने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमतों की वजह से ही धान के किसानों को मसाइल का सामना है। मिलर्स को धान की फौरी खरीदारी करने की हिदायत दी और कहा कि मिलर्स की जानिब से खरीदारी में ताखीर की वजह से ही धान की फसल बारिश के पानी में भीग गई। उन्होंने कहा कि किसानों के मसाइल के हल तक कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। किसानों के साथ नाइंसाफी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने किसानों से अपील की कि वो खुदकशी जैसे इंतहाई इकदाम ना करें। किसानों के लिए मिलकर लड़ाई लड़ने का उन्होंने तय खून दिया। इस मौके पर साबिक MP सुरेश शेटकार, कामारेड्डी कांग्रेस सदर कैलाश श्रीनिवास, बांसवाड़ा सदर कासुला बालराज और दीगर मौजूद थे। ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసే కార్యక్రమాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది. రైతులకు మరొక్కసారి విజ్ఞప్తి, ఎవరు ఆత్మహత్యలు చేసుకోకండి. కొట్లాడి మన హక్కులు సాధించుకుందాం. ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఒత్తిడి చేసి కేసీఆర్ మెడలు ఉంచి ఈ పంట కొనే విధంగా పోరాటం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు అండగా ఉంటుందని తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా మిత్రులారా. नेकनामपुरा में वाक़ वक्फ अराजी का तहफ़ करने का अब्दुल रहमान ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुतालबा किया है। साथ ही उन्होंने मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग की जानिब से दिखाए जा रहे दस्तावेजात को फेक करार दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है। मैं दरगाह सैयद असदुल्ला शाह कादरी के प्रोडक्शन में हूँ। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। जो कल जो है मुस्तफ़ा साहब जो है कल वीडियो भेजाए, कुछ गलत अल्फाज बोल रहे थे। वो सैयद दरगाह असदुल्ला शाह कादरी की नहीं होती प्रॉपर्टी बल्कि जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं कल की तारीख में, वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी वक्फ प्रॉपर्टी है और उसकी प्रूफ मेरे पास है। वक्फ क्रिमिनल में हम जो पूरा उसके अंदर ऑर्डर है हमारे पास 2013 में, उनके खिलाफ जो है मैं ऑर्डर ले लिए हम लोग 12-15 मिल के। हमको सैयद सुल्तान मोहिद्दीन साहब जो है, मुतवली साहब जो है, हमको लीज दिए थे। हमने जाके वक्फ क्रिमिनल में ऑर्डर ले लिए। उन्होंने बोलते गजीर प्रॉपर्टी नहीं होती, सर्वे नंबर 61 ऑलरेडी 61 सर्वे नंबर 89 गजीत में मेंशन हो चुका है। उसके रसूल सैयद रसूल साहब मुतवली है और दरगाह असदुल्ला शाह कादरी के जो है ना उनके पूरे पुराने, आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है। सैयद रसूल साहब के वालिद का नाम सैयद वज़ीर अली शाह कादरी, उनसे रिकॉर्ड है, उनके वालिद का रिकॉर्ड है मेरे पास जो है, मुंतखब है 252 मुंतखब जो है सैयद वज़ीर अली शाह कादरी जो है उनके साथ में सैयद रसूल साहब के पूरा रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड 400 साल पुराना खदीम रिकॉर्ड है साहब मेरे पास जो है आसाम खदीम आसे में निकाला था। और एक क्या है बोले तो सर्वे नंबर 61 पे मुस्तफ़ा जो साहब जो बयान दिए है कल जो है मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग जो बयान दिए है, वो बयान की तरफ से मैं आज आके मीडिया के सामने डिक्लेरेशन दे रहा हूँ साहब। मीडिया वालों को मैं आज देना चाह रहा हूँ ये बयान है OS 43 है जो 2013 में मेरे मोहम्मद इब्राहिम बोल के मेरे भाई साहब है उनको भी लीज दिए थे। हम जो है वक्री मेल में उनको चैलेंज करें क्या बोल के, खतीदा बेगम जो उनके वालदा है, मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग है, मिर्ज़ा यूसुफ बेग है, उनको हम चैलेंज ये करें कि भाई ये वक़ी नहीं है तो आप आके ले लो। हम इसमें क्या है ऑलरेडी एक्सपर्टी ऑर्डर उनके खिलाफ 2013 में ले लेके बैठे हुए। हम वक्फ बोर्ड के जाके हर दिन जो है इतला कर रहे हैं। ये वजह से जो भी है डॉक्यूमेंट, उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट फेक कर रहे थे। आप आओ 89 की गजेट को चैलेंज कर रहे थे, हम ऑलरेडी चैलेंज कर लिए। 89 की गजेट के अंदर मेंशन हो गया था, पूरा 100% मेंशन होगा ये वक्फ प्रॉपर्टी है। उन्होंने सेकंड सर्वे रिपोर्ट बताते, सेकंड सर्वे रिपोर्ट की कॉपी वर्जिनल सेक्रेटरी से जाके लियो। वो लोगों को सेक्रेटरी में क्या बोले उसके अंदर, एक ही बोले सर्वे नंबर 61 वक्फ प्रॉपर्टी है, सर्वे नंबर 61 वक्फ प्रॉपर्टी। आपके दम है मुस्तफ़ा बेग साहब, आप जाइए सेक्रेटरी से वर्जिनल कॉपी बताइए। जितने भी मीडिया वालों को बताना चाह रहे ना, वो वर्जिनल बताइए। मेरी एक रिक्वेस्ट है हमारे ये अकबर साहब जो हमारे असेंबली में आवाज़ उठा रहे वक्फ प्रॉपर्टी बचाओ बोल के, क्यों नहीं बचा रहे? हमारे CM साहब जितना वादा कर रहे हैं, हमारे सलीम साहब से एक रिक्वेस्ट है हमारी, सलीम साहब हम लोग OS 19 जितने भी हम लोग नंबर आ रखे, OS 43 ऑफ है, OS 52 है, हम लोग 12 या 15 जने मिलके वक्फ क्रिमिनल में ऑलरेडी
ये ऑलरेडी जो है हम एक्सपर्टी ऑर्डर मिर्जा मुस्तफ़ा बेग पे ला लिए साहब। हमारे हर दिन आपसे एक ही गुजारिश है कि हम किरायादार बनते बोल के आपको आके हर दिन चक्कर रहे। इससे पहले भी मीडिया में आके आपको यही बोला साहब, हम लोग को किरायादार बना लो, ज़मीन वक्त की बस जाती साहब, करोड़ों की ज़मीन है, लाखों करोड़ों की ज़मीन चले जा रही। हमारा एक सलीम साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी काम है आपका इसकी बर्खास्त करके इसके हाथ में ले लो साहब। ये ज़मीन वक्त की करोड़ों की है। मुस्तफ़ा बेग ऑलरेडी 2013 में एक्सपर्टी ऑर्डर हमारे पास आ गया मुस्तफ़ा बेग के ख़िलाफ़। आपकी ये गुजारिश है साहब, हमारे सीएम केसीआर साहब भी इसके अंदर बहुत एक्शन ले रहे हैं। सलीम साहब आपसे भी एक गुजारिश कर रहा हूँ, सलीम साहब आप अल्लाह के बंदे हैं, आप अल्लाह के हाथ से ये प्रॉपर्टी मुस्तफ़ा बेग से छीन लेके अपने हाथ में रख लो साहब। ऑलरेडी आप हयूम खान साहब के ऊपर इतना एलिगेशन लगा रहा हूँ, आपके डिपार्टमेंट पर लगाई सी बात करी साहब, आप भी आ जा रहे इसके अंदर। रिक्वेस्ट है सलीम साहब आपसे एक बात करी, हमारी एक हमारी रिक्वेस्ट है, ये ओएस 12 या 15 केसेस है साहब ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ इसके बारे में। आप आके जो है इसके पर मीडिया के अंदर मैं आपको बोलने की वजह है कि जय सलीम साहब आपको ये जितने भी एक्सपर्टी आर्डर है मुस्तफ़ा मिर्जा इस बेग उन लोगों के नाम पे है, उनकी खतीजा बेगम उनके वालदा बोल रहे हैं, वालदा की ज़मीन नहीं होती है, अल्लाह की ज़मीन है उनके वालदा की नहीं है। इसमें ऑलरेडी मेरे पास जो ऑर्डर में ऑलरेडी मैं लिया हुआ हूँ, ये टोटली बता रहा हूँ आपको, ये ऑर्डर का आप यहाँ पूरे जितने भी है हमारे को वक्त क्रिमिनल में ऑलरेडी हमको जजमेंट डिग्री जो है पूरा 100% हो चुका है इसके अंदर, और उन्हें एक्सपर्टी ऑर्डर है इसके खिलाफ हमारे को मुस्तफ़ा बेग के खिलाफ है साहब। ये जो परमिशन कैंसिल बल्कि हयूम खान साहब के ऊपर दावा कर रहा, उन्हें दावा गलत कर रहा है, परमिशन ऑलरेडी इसका कैंसिल करा है। इस वाले वाकई बेचारे मेहनत कर रहे थे, उन्होंने आपके वक्फ बोर्ड के अंदर ऐसे एम्प्लॉयज़ को रख के जो है उन्हें बदनाम करना चाह रहा है। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी जो काम करे हयूम खान साहब, हमारा उनका शुक्रगुजार है, आपका भी बहुत शुक्रगुजार है, आप जो भिजाते रहते टीम को आपकी हम आपका शुक्रगुजार है। लेकिन इसके हाथ से जो प्रॉपर्टी बची हुई है जो भी है 89 की गजट है ना साहब, वो गजट को आप फॉलो करके जमीन में ऑलरेडी सर्वे नंबर 61 मेंशन है साहब उसके अंदर, उन्हें सेकेंड सर्वे रिपोर्ट बताता हूँ। सेकेंड सर्वे रिपोर्ट में ऑलरेडी जो है हम जो है उसके वक्त क्रिमिनल में उसका पूरा चैलेंज करें। 89 की जो गजट है वो गजट में पूरा मेंशन है साहब, ये 89 की गजट है, 89 की गजट में ऑलरेडी सर्वे नंबर 61 उन्हें बोलता मेरी ज़मीन नहीं खरीदा। सैयद रसूल साहब इसमें मुतवली है, मुतवली के बेटों से खरीदा, चोर है मुतवली के बच्चे, ऑलरेडी जो कर रहे हैं वहाँ गलतियाँ मुतवली के बच्चियाँ करें, जो भी है दरगाह के मुतवली जो बनाए आप उन्हें भी चोर है, वो सब मिल के बेच के क्या कर रहे हो साहब। वो ज़मीन 63 वगैरह 63 सर्वे नंबर को बता रहे, सर्वे नंबर नहीं है तो एक ऑलरेडी मेरे पास मुंतखब है 252 जो मुंतखब है ना साहब, वो मेरे घर का नहीं है, वो 252 मुंतखब जो है मैं ऑलरेडी जो है वहाँ से निकाला, आठ चीज से निकाला, ये मुंतखब है 252 खानदानी जो दरगाह असदुल्ला शाह खादी जहाँ से ग्रेवे यार्ड है ना साहब, उस ग्रेवे यार्ड के अंदर जो है 52 मुंतखब है, मुंतखब से गजीब नोटिफिकेशन प्रॉपर्टी हुई। ये 252 मुंतखब को आप चेक करो मेरे सर सलीम साहब, सलीम साहब ये वक्त की प्रॉपर्टी बचाना अपन मुसलमानों का काम है, आप अल्लाह के अच्छे बंदे हैं इंशाल्लाह। आपके मेरे को मालूम है ORC यहाँ पट्टे होते ऐसे कहिए आप कैंसिल कर दिए, आप इंशाल्लाह उसको कैंसिल कर सकते हैं हमारे सलीम साहब, अल्लाह से ऐसे ज़मीन बचा लो सलीम साहब। 61 सर्वे नंबर एक करोड़ों की प्रॉपर्टी है, राम रेड्डी साहब भी जो है इस पर एक्शन ले रहे हैं, उनके खिलाफ भी मैं ऑर्डर लिया, इंजेक्शन ऑर्डर लिया और एक स्टे ऑर्डर लिया हुआ हूँ, इंशाल्लाह मैं प्रोटेक्शन करूँगा, मेरा वादा है कि अल्लाह ने अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह ये ज़मीन आप जैसे लोग रहेंगे इंशाल्लाह सलीम साहब क्यों नहीं ले रहे। ये देखिए वक्फ बोर्ड के अंदर पूरे एम्प्लॉयज़ को भिजा के उसकी ज़मीन को हासिल कर लीजिए साहब, मेरी रिक्वेस्ट है सलीम साहब इंशाल्लाह आपको वा करिए। पुराने शहर चार मीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विथ अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए में और 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत 64,999 रुपए। तो देर ना करें और जल्द ही तशरीफ लाएं अल निजाम फर्नीचर, पता सैयद अली चबूतरा आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्ला टूर्स एंड ट्रेवल्स हैदराबाद। कॉन्टैक्ट करें 8686171786। इसके अलावा 8686121786 पर।